मैं बिंस खान सुरजापुरी, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किशनगंज पुलिस ने शुरू किया अभियान। किशनगंज जिले के विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का अभियान किशनगंज पुलिस ने शुरू कर दी है। बहादुरगंज पुलिस परिवार की ओर से बहादुरगंज थाना क्षेत्र के कई गांव में वीडियो जुल्फिकार आदिल, सीओ कोसर इमाम, इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद व थाना अध्यक्ष सुमर कुमार सिंह ने आज सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को फूड पैकेट दिया, ताकि क्षेत्र के कोई भी परिवार भूखा ना सोए। बहादुरगंज से बंटी सिन्हा की रिपोर्ट। हाँ तो धोते अलग अलग खड़ा रहना है, समझिए बात को, एक जगह जमा नहीं होना है। आप लोग नहीं, इसका इसकी इसी को मार दो, इधर घूमो, नते नते सामान पे नते। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है, और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं, और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा।